अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नायर है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी खाल होती है, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन रखती है हमारे जिस्म के अंदर, आपकी सोच से भी ज्यादा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जी डॉक्टर, मैं MBBS ग्रेजुएट, मैं एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ। इसके अलावा अपनी भी स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ आगे सर्जरी के अंदर, तो आप मुझे एक जूनियर सर्जन भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए, जो स्किन होती है वो हमारे जिस्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सबसे पहले तो ये कि ये एक बैरियर प्रोवाइड करती है, यानी कि जैसे किसी भी मुल्क होता है उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है ना। वो बाउंड्री क्या करती है कि बाहर से किसी और को नहीं आने देती। इसी तरह जो स्किन होती है वो हमारी एक बाउंड्री के तौर पर रखती है, ये गार्ड है जो कि जिस्म में हर चीज को अंदर नहीं होने देता। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और सबसे पहला फंक्शन। सेकेंड, जो स्किन है इसके ऊपर एक मजे की चीज मौजूद है जिसे हम कहते हैं द एसिड मेंटल। अब ये क्या चीज है? देखिए, हमारी जो स्किन, आपने अमूमन सुना होगा स्किन के ऊपर जरासीम मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी जो स्किन है इसके ऊपर जो जरासीम मौजूद है ये खुद स्किन ने रखे हैं, ठीक है। यानी कि जो खाल है वो खुद इन जरासीमों को पालती है ना। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, क्यों बताता हूँ। देखिए, हमारी जो स्किन है उसके अंदर खड्डे मौजूद हैं, बाल हैं, जगह जगह पे ऐसी जगह मौजूद है जहां पे जरासीम रह सकते हैं, ठीक है ना, मौजूद हो सकते हैं। तो फिर जब एक आपको मालूम होता है कि यार एक चीज ने कर रहना ही रहना है, तो जैसे अब खाली जगह तो कहा जाता है ना कि कुछ ना कुछ किसी को दे दो, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारी स्किन है ना उसकी जो खाली जगह है वो जरासीमों को हमारी स्किन ने कुदरती तौर पर दी हुई है, ठीक है। क्यों दी हुई है? इससे फायदा ये होता है कि जो गंदे जरासीम होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर नहीं आते और हमें बीमार नहीं पड़ पाते, ठीक है। ये चीज कहलाती है गुड फ्लोरा या नॉर्मल फ्लोरा, जो जरासीम हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये हमारी स्किन के ऊपर कैसे रहते हैं कि हमारी स्किन जो है ना कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करती है जिसमें जो है वो एसिडिक होते हैं, यानी कि थोड़े तेजाबी होते हैं जिनकी वजह से pH कम होती है। तो ऐसे जरासीम आपकी स्किन पर मौजूद होते हैं जो कि आपको आमतौर पर बीमार नहीं करते, लेकिन जब भी स्किन में कट लग जाता है चोट की वजह से तो अमूमन जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसकी वजह से अमूमन आप देखेंगे पीप पड़ सकती है और जरासीम और जख्म खराब हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारी स्किन है ना, वो हमें यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है। कैसे? अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती है ना, जो सूरज से शुआएं आती हैं वो हमारी स्किन के ऊपर पड़ के तो कैंसर करवा सकती हैं। तो कुदरती तौर पे जो हमारी स्किन होती है इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेलानिन, ठीक है, मेलानोसाइट, सॉरी, मेलानोसाइट एक केमिकल रिलीज करते हैं जो मेलानिन कहलाता है, जो हमारी स्किन को कलर देता है, ठीक है। मेलानिन जो है वो बेसिकली यूं समझें कि आपको ब्राउन, ब्लैक, व्हाइट जो आपका कलर है वो इस मेलानिन पे डिपेंड करता है। और जितना आप ऐसे एरिया में रहेंगे जहां पे सूरज कम पड़ेगा उतना मेलानिन आपका जिस्म कम निकालेगा। अंग्रेजों में ज्यादा सर्दी रहती है इस वजह से उनका कलर व्हाइट है, क्योंकि वहां पे उन्हें अल्ट्रावाइट से शुआओं से ज्यादा हिफाजत की जरूरत नहीं पड़ती, तो वहां पे मेलानिन का लेवल कम होता है उनकी स्किन में, जिसकी वजह से वो व्हाइट है। इसी तरह एशिया की तरफ आ जाए तो आपको सब ब्राउन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सूरज ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अगर यही आप अफ्रीका में चले जाएं तो सूरज बहुत ज्यादा तेज गर्मी रहती है, ज्यादा पड़ता है, तो वहां पे आप देखेंगे लोग ज्यादातर बहुत ज्यादा ब्लैक है, ठीक है, ये रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, ये मेलानिन जो है हमें कैंसर से बचाता है, शुआओं से बचाता है, सारी चीजें करता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, सिर्फ मेलानिन ही नहीं अल्ट्रावायलेट लाइट से आपको बचाता। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज एक बड़ी मेरे लिए भी थी जब मैं पढ़ा था, तो उसमें ये था कि जो पॉल्यूशन होता है ना हमारे, मतलब माहौल में जो आलूदगी है, गर्दो गुबार है, ये भी हमें बचाती है। कैसे? कि जो ऊपर से श्वाएं आती हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स आती हैं, रेज आती हैं, वो हमारी स्किन पे गिरेंगी, हमारा DNA डैमेज करेंगी और उसकी वजह से कैंसर होगा। लेकिन जो रास्ते में पॉल्यूशन है, खास तौर पर शहरों के अंदर जितनी धुआं और ये सब चीजें रहती हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं या रेज हैं वो आपके स्किन पे पड़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो रास्ते में ही डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, वो इधर उधर पॉल्यूशन की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से कम हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग जो गर्दो गुबार वाले एरियाज में रहते हैं उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, उनके वही मुकाबले जो कि दूर दराज के इलाकों में, गाँव देहात में लोग रहते हैं और वहां पे काम करते हैं, वहां पे स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे स्किन के मुतालिक, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।